कैसे आप सब लोग गाइस, आज मैं उस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ जिस पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पोडोडर्मेटाइटिस इन डॉग। पोडोडर्मेटाइटिस बेसिकली क्या होता है कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जो काफ़ी टाइम से पेट्स रख रखे हैं जिन्होंने, इनके पैरों के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, छोटे छोटे बॉयल से हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं और बार बार वो रिलैप्स होते रहते हैं। लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी में ये पोडोडर्मेटाइटिस सालों साल चलता रहता है, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो आज मैं जो आपको इस वीडियो में ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, उसके बाद ये सारा काम आप घर पे कर पाएंगे। आपको इसके बारे में पूरी डीप नॉलेज देने वाला हूँ पोडोडर्मेटाइटिस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझते हैं, ये है क्या चीज़, ये बार बार क्यों होती है। तो गाइस, पोडोडर्मेटाइटिस बेसिकली क्या है कि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि बॉडी अपनी जो खुद की ही स्किन को रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है बार बार, उसकी वजह से वहाँ पर बॉयल होने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा रीज़न क्या होता है कि जो डॉग का पो है, जो ये पंजा है, उसके अंदर हवा नहीं लगती। तो कभी जब रेनी सीजन होता है या डॉग अपना जब घास में घूम के आता है, तो वहाँ पर जब उसके ऊपर मॉइस्चर लगता है, तो वहाँ पर हवा न लगने की वजह से मॉइस्चर से वहाँ पर फंगस हो जाती है। ये दो मेन मोटे मोटे रीज़न होते हैं। कई बार अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डॉग के चुभ गया अंदर, कोई कांटा चुभ गया या किसी टाइप की चीज लग गई उसके अंदर, उसकी वजह से भी डॉग उसको लिक करता रहता है और वो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और रीज़न होता है वो होता है माइट इन्फेस्टेशन होती है, जो स्केबीज होती है डॉग के अंदर, वो भी माइट्स भी यहाँ पर कई बार इन्फेक्ट कर देते हैं डॉग को, उसकी वजह से भी उसको इरिटेशन होती है और बार बार उसको लिक करके चू करके वो सारी पोडोडर्मेटाइटिस क्रिएट कर देता है डॉग। तो अब इसको हमने घर पे मैनेज कैसे करना, मैनेज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसका लाइव डेमो दिखाएंगे, आपने वो कैसे यूज़ करना है। अब पोडोडर्मेटाइटिस की भी अलग अलग स्टेज होती है कि फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और एक जो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन होती है वो फोर्थ स्टेज भी होती है, जो कि हमारे पास बड़े रेयर केस आते हैं जिसमें डॉग के मैगेट्स भी पड़ जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है जो आपके डॉग की, जब आपका डॉग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है पर थोड़ी सी आपको लगता है कि वो च्यू कर रहा है उस चीज़ को, थोड़ा सा लिक कर रहा है, तब हमने क्या करना है, उसके लिए बड़ा माइल्ड सा प्रोडक्ट है। ये जस्ट लाइक मॉइस्चराइज़र है और मतलब हल्का फुल्का जो इन्फेक्शन है उसको ये ठीक कर देगा। इसको लगाने का तरीका बड़ा ही आसान है, इसको जस्ट प्रेस करते हैं तो इसमें से फॉर्म आ जाती है। दिखाओ आप, इसमें थोड़ा सेकेंड लेवल का पोडोडर्मेटाइटिस हुआ पड़े, पर अगर हमने फर्स्ट स्टेज में करना है तो जस्ट इसको प्रेस कीजिए और इसको आराम आराम से इसके अंदर रब करना है। ये एक्चुअली थोड़ा सा पेनफुल रहता है, जब डॉग को थोड़ी सी पेन हो रही होती है तो इसको बिल्कुल प्यार प्यार से करना है। इसमें ब्रिसल्स होते हैं, बड़े सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं। इसको प्रेस किया और इसको हल्का हल्का रब करके इसको क्लीन कर दिया। ये प्रोडक्ट किसी भी अच्छी पेट शॉप पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आपके आसपास वहाँ कोई रिमोट एरिया है, अगर वहाँ पर नहीं मिल रहा, तो आप thecanophilia.com पे जाके इसको ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। प्राइमरी लेवल का जो पोडोडर्मेटाइटिस है, अकेला इसी से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको हमने 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक छोड़ना है इसके अंदर, उसके बाद कॉटन से इसको क्लीन करना है। इसको 2 से 3 मिनट के अंदर छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा, जो अपने पॉ के अंदर जो क्रैक्स पड़े होते हैं या जो ड्राइनेस आ रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद हमने इसको कॉटन से ड्राई कर देना है, जस्ट प्यार प्यार से क्लीन करना है इसको, जस्ट ऐसे किया, ये हल्का सा क्लीन कर दिया। उसके बाद ये पॉ सॉफ्ट क्रीम आती है। अब इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं, जब हल्का सा लिक कर रहा है और उसके अंदर विजिबली कोई रेडनेस वगैरह नहीं दिखाई दे रही, तो आपने सिर्फ इसको पॉ क्रीम को लेना है, हल्का हल्का बिल्कुल पेंट कर देना है इसके पॉ के अंदर। ये पॉ क्रीम क्या है कि जो हल्का फुल्का, जैसे हमारी बोरोलिन काम करती है, हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है उसमें भी बढ़िया से काम करती है, तो ये हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉ क्रीम को हम एल्बो पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डॉग के यहाँ पर बैठने की वजह से जो रफनेस हो जाती है उस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक इसको कानों के अंदर जो हल्का सा ड्राइनेस, इसका कान बहुत अच्छे हैं फीमेल के, पर जो जिसमें ड्राइनेस हो जाती है कानों में, उसमें हम ऐसे
अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो नोज है उस पर भी हम ऐसे लगा सकते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर डॉग इसको लिक भी कर ले तो उसको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या है कि जो थोड़ा सा इससे ज़्यादा का इन्फेक्शन है, रेडनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, उसमें सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा जो सा इसको पॉ फॉर्म से क्लीन करना है। उसके बाद जो हम पॉ क्रीम लगा रहे हैं उसको इसके ढक्कन में लेना है। आओ एक मिनट दिखा दो, थोड़ी सी पॉ क्रीम ली, उसके अंदर नियोस्पोरिन पाउडर डाल देना है हमने। ये बहुत ही कॉमन है, आराम किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा आपको। हल्का सा वो इसके अंदर मिक्स कर देना है, दोनों को मिक्स करके फिर लगाना है। अब इससे क्या होगा, इसमें एंटी फंगल एजेंट भी आ गया, मॉइस्चराइजर भी आ गया और एंटी बैक्टीरियल भी आ गया। ये अप्लाई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएंगे। दिन में 3 एप्लीकेशन करनी है जब वर्स्ट स्टेज है, धीरे धीरे करके नंबर ऑफ एप्लीकेशन हम कम कर देंगे। अब इसका तरीका क्या है कि जब मैं सभी अपने क्लाइंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी दवाई अगर आप डॉग को लगा तो लिक नहीं करने देना। अब लिक नहीं करने देना उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, या तो डॉग के साथ बैठ जाओ, उसको उसका माइंड डाइवर्ट करो, उसको थोड़ा सा प्यार करो, उससे बातें करो। अगर डॉग तब भी उसको लिक करने की कोशिश करता है थोड़ा सा घुमाने ले जाओ, उसका माइंड थोड़ा सा और जगह इधर उधर ध्यान जाएगा तो वो भूल जाता है कुछ लगा हुआ है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब नियोस्पोरिन पाउडर की जगह एक और बड़ा अच्छा एंटी फंगल एजेंट आता है, वो है लुलिकोनाजोल। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है लुलिकोनाजोल। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके, वो भी लिक्विड की तरह होता है। अभी मेरे पास था नहीं तो उसका भी मैं डेमो देता, वो भी मैं बड़ा कॉमनली मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है, वो भी इसमें ऐड करके आप इसको लगा सकते हैं। अब ये बात होगी सेकेंडरी जो पोडोडर्मेटाइटिस है उसको लेके। इससे ऊपर जो टर्शरी लेवल का जो पोडोडर्मेटाइटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो रखी है, रेडनेस हो रखी है और बहुत ही ज़्यादा रोटन पॉस कह सकते हैं उसको, जिसमें बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है डॉग का, तो उसके लिए ये एंटी फंगल शैम्पू होता है। ये मैं आपको स्क्रीन पे इसका शॉट दे दूंगा। तो इसको हमने थोड़ा सा लेना है ये एंटी फंगल शैम्पू को, इसमें रॉ स्मेल होती है जितनी, मतलब इसके अंदर जो फंगस की स्मेल है वो भी दूर हो जाएगी। हमने इसको लगाना है और इसको थोड़ा थोड़ा रब करना है प्यार प्यार से। इसकी जगह और भी किसी एंटी फंगल शैम्पू को यूज़ कर सकते हो, पर इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसको आप बाय करना चाहते हो तो canofilia.com पे आप इसको बाय कर सकते हैं। इसको लगा के हल्का प्यार प्यार से रब करना है हमने सभी पॉज के अंदर, और इसको हमने छोड़ना है 10 मिनट के लिए। पहले जो सी हमारी पॉ फॉर्म थी इसको हमने 3 मिनट के लिए छोड़ना था, इसको हमने छोड़ना है 10 मिनट के लिए। लगा के छोड़ देंगे, ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल काम करेगा। ये भी हर्बल प्रिपरेशन है बेसिकली, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। 10 मिनट छोड़ने के बाद इसको भी हमने कॉटन से ड्राई करना है। कॉटन से ड्राई करके अच्छी तरह इसका मॉइस्चर निकाल देना है। थोड़ा सा वॉश भी कर सकते हैं इसके बाद। हम वॉश करने के बाद उसको किसी न्यूज़पेपर से, कॉटन से या क्लीन क्लॉथ से उसको अच्छी तरह हमने ड्राई कर देना है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर मेगा शैम्प पाउडर डालना है। अगर आपको लगता है मैगेट्स उसमें हो चुके हैं या उसमें सस्पेक्टेड है मैगेट्स, तो इसी पो सॉफ्ट क्रीम के अंदर आपने मेगा शैम्प पाउडर डाल के देना है। मेगा शैम्प पाउडर लगाओगे उससे क्या है कि जो अगर कोई मैगेट्स होएंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे या किल हो जाएंगे, और अगर उनके एग पड़े हैं या इनिशियल स्टेज है वो भी चीज़ दूर हो जाएगी। अब हम यहाँ तक तो चलो हमारे को क्लीनिंग करनी तो आ गई, अब इसके लिए दवाइयाँ क्या चलेगी। अगर हमारे बाइचेस डॉग को इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है तो हमने ओरली क्या मेडिसिन देनी है, तो क्या उसके लिए जो इनिशियल स्टेज है, जो फर्स्ट लेवल की स्टेज है, उसके लिए तो अकेला ये पॉ सॉफ्ट क्रीम है, ये पॉ फॉर्म है और पॉ सॉफ्ट क्रीम है, इसी से ही काम चल जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकेंडरी लेवल का आपका पोडोडर्मेटाइटिस है उसके लिए हम सेप्ट्रन की टैबलेट रिकमेंड करते हैं। बहुत ही गाइस बहुत ही इमेजिंग है ये सेप्ट्रन गोली, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, सबसे लाइट एंटीबायोटिक्स है ये। 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से देते होते हैं हम। जैसे मान लो डॉग ये 40 kg का डॉग है तो उसको 400 mg मॉर्निंग इवनिंग देना है,
बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, 5 to 7 days देना है जब तक उसकी पूरी तरह से रिकवरी ना हो पाए। अब जो इससे ऊपर के जो है, जो टर्शियरी लेवल का आपका पोडोडर्मेटाइटिस है, उसमें कई बार हमारे को इम्यूनो सप्रेसेंट साथ देने पड़ते हैं, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो उसमें हमारे को एंटीबायोटिक के साथ इम्यूनो सप्रेसेंट देने पड़ते हैं। ये इम्यूनो सप्रेसेंट आप अपने वेटनेरियन की सलाह से करें, उनकी देख रेख में करें, क्योंकि उससे क्या है कि डॉग का थोड़ा सा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो हो जाता है और उसमें और तरह की बीमारियाँ होने का खतरा आ जाता है। तो अगर आपने 3 दिन के लिए यूज़ करना है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर रहता है तो आप उसके सारे टेस्ट करवा के सब कुछ लीवर किडनी को रिव्यू करके उसके बाद ही कंटिन्यू करें। तो उसके लिए अगर टर्शियरी लेवल का है, उसके लिए सबसे अच्छे स्किन प्रॉब्लम के लिए ऑगमेंटिन की टैबलेट आती है, ये भी हम 10 mg/kg body weight के हिसाब से देते हैं। तो जैसे मान लो 35 kg का डॉग है, उसमें 375 mg की टैबलेट आती है, बहुत ही बढ़िया रहता है, सुबह शाम दो, बहुत ही मस्त रिजल्ट आएंगे। मुझे लगता है कि मैंने पोडोडर्मेटाइटिस को अच्छे से कवर कर दिया है, पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल केस है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो डॉग लवर है, डॉग लवर होने के नाते आपको ये वीडियो सब में शेयर करनी चाहिए, आपके काम नहीं आएगी तो किसी और लोग का वो काम आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा, हमारे को एक एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है हमारे वर्किंग आवर्स में से, तो इतनी मेहनत करते हैं, तो भाई लाइक किए बिना इसको वीडियो को मत जाना, सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, और जिसको वीडियो पसंद आई है उसने क्या बोल रहे, लव यू डॉक्टर, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।